हेलो फ्रेंड्स आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एम सी क्यू में तो देखिए आज की वीडियो में क्या लेके आई हूँ मैं आप लोगों के लिए अभी जो हमारा एस एस जी पी जी एम एस का फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम होना है पंद्रह टू जो है दिसंबर को फिफ्टीन को है ना और जो है कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन जो आपका एम्स का होना है तो वो भी आपका एग्ज़ाम है एटीन को या ट्वेंटी को हो सकता है ना और भी आपके जैसे महाराष्ट्र में जिला परिषद का भी एग्जाम है ट्वेंटी वन ट्वेंटी सिक्स उसकी एग्जामिनेशन डेट दी हुई है और भी दिसंबर में हमारे बहुत से एग्जाम्स होने वाले हैं ओके तो फार्मास्यूटिकल जूरियर स्टूडेंट्स को थोड़ा बहुत हम रिवाइज़ करेंगे ओके तो इसमें जो है मैंने आपको अलग अलग प्रोवाइड करा रखा शेड्यूल्स के एम सी क्यू एक्ट के और इनके जो फॉर्म नंबर है और जो इनके मेम्बर्स हैं ठीक है ठीके? तो ये सारे के सारे आज, आज आपको एक ही वीडियो में प्रोवाइड करा दूंगी जिससे क्या होगा आपका जूरियर स्टूडेंट्स का मैक्सिमम रिविजन हो जाएगा और फिर मैंने जूरअल स्टूडेंट्स के वन फिफ्टी क्वेश्चन का वीडियो डाला हुआ है आप लोग वो भी देख लेना तो उससे भी आपको बहुत हेल्प मिलेगी ओके okay? तो स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं तो किया चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा वीडियो को लाइक करना शेयर करना कमेंट करना बेल आइकन को प्रेस करना ताकि जो नए वाले वीडियोस होते हैं उनका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके ओके तो बिना देरी स्टार्ट करते तो हैं कॉस्मेटिक एक्ट पढ़ते हैं ना तो इसका तो हमें पता है कि एक्ट कब पास हुआ नाइनटीन फोर्टी में पास हुआ इसके रूल्स नाइनटीन फोर्टी फाइव में आए देखिए इसमें एक तो आप क्या आता है शेड्यूल टू द एक्ट आता है एक शेड्यूल टू द रूल्स आता है जो आप पढ़ते हैं ना शेड्यूल एम शेड्यूल जी ये सब क्या शेड्यूल टू द रूल्स होता है देखिए शेड्यूल

एप्लीकेशंस याद रखिए ओके एक इसके लिए परफॉर्मा फॉर द एप्लीकेशन फॉर द लाइसेंस इश्यू रिनल ऑफ लाइसेंस फॉर सेंडिंग मेमोरेंडा अंडर द एक्ट ठीक है तो ए से हमने एप्लीकेशन याद रखना है फिर बी देखिए अप्लाई करेंगे तो एप्लीकेशन के लिए हमें फीस भी पे करनी होगी तो एप्लीकेशन के बाद क्या फीस ओके बी से बी में शेड्यूल बी में क्या आएगा फीस देखिए फीस फॉर एनालिसिस ऑफ ड्रग और कॉस्मेटिक्स दैट हैव टू टू बी पेड द सेंट्रल ड्रग लैबोरेटरी और अदर गवर्नमेंट लैबोरेटरी ओके ए से एप्लीकेशन याद रखा फिर एप्लीकेशन

तो शेड्यूल सी में आपने बहुत बार शेड्यूल सी का क्वेश्चन पूछा लिस्ट ऑफ बायोलॉजिकल एंड स्पेशल प्रोडक्ट्स शेड्यूल सी आपने याद रखना है बहुत इंपॉर्टेंट है सी वन में लिस्ट ऑफ ड्रग फ्रॉम बायोलॉजिकल ओरिजिन नेमली एल्कोलोइड हॉर्मोन्स एंड एंटीबायोटिक फॉर ओरल यूज फिर ओके okay? फिर आपका शेड्यूल डी आता है देखिए डी में क्या आता है लिस्ट ऑफ ड्रग एग्जेम्प्टेड फ्रॉम सर्टेन प्रोविजन एप्लीकेबल टू इंपोर्ट ओके एक तो है एग्जेम्प्टेड फ्रॉम प्रोविजन एप्लीकेबल टू इंपोर्ट और एक होता है एग्जेम्प्टेड फ्रॉम प्रोविजन

Okay, तो एफ टू स्टैंडर्ड्स फॉर सर्जिकल ड्रेसिंग और एफ थ्री स्टैंडर्ड्स फॉर मल्टीपल अम्बलिकल टेप्स याद रखना है शेड्यूल एफ 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 ओ स्टैंडर्ड्स फॉर ओपथेलमिक प्रेपरेशन ओके शेड्यूल एफएफ किसके लिए स्टैंडर्ड्स फॉर ऑप्थेलमिक प्रेपरेशन फिर शेड्यूल जी जी देखते ही समझ जाना है किसकी बात हो रही है जी एम एस जो मेडिकल सुपरविजन में ड्रग्स लेते हैं उनके लिए शेड्यूल जी होता है जैसे कि हमारे ग्लिबन क्लेमाइट जो ओरल हाइपोग्लाइसेमिक्स होती है ना देखिए लिस्ट ऑफ सब्सटेंस दैट आर रिक्वायर्ड टू बी यूज अंडर ओनली मेडिकल सुपरविजन ठीक है मेडिकल सुपरविजन में ही उनको यूज करना होता है एंड विच आर टू बी लेबर्ड ओके तो इसके लिए शेड्यूल जी जी में क्या आ गई मेडिकल सुपरविजन वाली ड्रग्स याद रखना एच में लिस्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स मैं कितनी बार बताऊं इतने बार बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जाम्स में रिपीट हुआ है प्रिस्क्रिप्शन ड्रग वाला क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया लिस्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन ड्रग के लिए शेड्यूल एच आता है ओके okay? अब शेड्यूल आई ये भी ओमिटेड है कैलकुलेशन ऑफ प्रोपोर्शन ऑफ पॉजन सर्टेन केस ठीक है ये भी ओमिटेड है शेड्यूल जे जे में इनक्योरेबल डिजीजेज इनक्योरेबल डिजीजेज के लिए आपका शेड्यूल जे डिजीज और एलिमेंट्स विच आर ड्रग में नॉट परपोर्ट टू प्रिवेंट और क्योर इनक्योरेबल डिजीज के लिए जैसे कि डायबिटीज uh, है ना कैंसर तो इनके लिए आपका शेड्यूल आपका जे हो जाएगा फिर आपका शेड्यूल के अभी जब मैंने डी की बात करी जब मैंने आपको के में भी बताया था डी में था लिस्ट ऑफ ड्रग एग्जाम्पेड एक्ष, फ्रॉम सर्टेन प्रोविजन एप्लीकेबल टू इम्पोर्ट अब के में क्या है लिस्ट ऑफ ड्रग एक्जाम्पेड फ्रॉम सर्टेन प्रोविजन रिलेटेड टू मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग तो डी और के को आपको याद रखना है ओके डी में इम्पोर्ट का ऐसे डी आई से याद कर सकते हैं डी में इम्पोर्ट वाला एग्जाम्शन पड़ा और के में आपने मैन्युफैक्चर वाला ओके फिर आपका एल लिस्ट ऑफ ड्रग्स ऑड ऑन प्रिस्क्रिप्शन ओनली तो देखिए ये ओमिटेड है प्रिस्क्रिप्शन ड्रग के लिए हम लोग अपना शेड्यूल एच पढ़ते हैं ना फिर आपका शेड्यूल एम में गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस आता है रिक्वायरमेंट ऑफ फैक्ट्री प्रीमाइसिस प्लांट एंड इक्विपमेंट बहुत बार शेड्यूल एम आ गया फिर एम में भी एम वन एम टू एम थ्री होते हैं ओके एम वन में रिक्वायरमेंट ऑफ फैक्ट्री प्रीमाइसिस फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ होम्योपैथिक प्रेपरेशन तो एच सी एम से याद रखिए एम वन में होम्योपैथिक के लिए एम टू में कॉस्मेटिक्स के लिए एम थ्री में मेडिकल डिवाइसेस के लिए ठीक है एम टू में रिक्वायरमेंट ऑफ फैक्ट्री प्रीमाइसिस फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कॉस्मेटिक्स फिर एम थ्री में रिक्वायरमेंट ऑफ फैक्ट्री प्रीमाइसिस फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मेडिकल डिवाइसेस ओके ओके एम वन एम टू एम थ्री अब एन एन की बात कर लीजिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है लिस्ट ऑफ मिनिमम इक्विपमेंट फॉर एफिशिएंट रनिंग ऑफ द फार्मेसी लिस्ट ऑफ मिनिमम इक्विपमेंट रिक्वायर्ड फॉर द एफिशिएंट रनिंग ऑफ फार्मेसी ये शेड्यूल एन में आता है शेड्यूल ओ किसके लिए स्टैंडर्ड्स फॉर डिस इन्फेक्टेंट फ्लूड के लिए पी में लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग याद रखना है पी वन पैक साइज ऑफ ड्रग ओके क्या में लिस्ट ऑफ कोल तार कलर्स है डाइज है कलर्स है पिगमेंट्स है ये सब आपका शेड्यूल क्यू में आता है आर में स्टैंडर्ड्स फॉर मैकेनिकल कंट्रासेप्टिव स्टैंडर्ड्स फॉर कॉन्डोम्स व्हिच आर मेड ऑफ रबर लेटेक्स इंटेंडेड फॉर सिंगल यूज एंड अदर मैकेनिकल कंट्रासेप्टिव्स ओके एस में है स्टैंडर्ड्स फॉर कॉस्मेटिक्स ये भी ईएसआईसी 2019 में पूछ लिया स्टैंडर्ड्स फॉर कॉस्मेटिक्स के लिए मतलब कि शेड्यूल एस किसके लिए ये पूछा हुआ था ओके okay? कॉस्मेटिक्स के लिए स्टैंडर्ड्स शेड्यूल टी की बात कीजिए देखिए जीएमपी के लिए हमने शेड्यूल क्या आप देखा एम देखा अगर जीएमपी की बात करेंगे आयुर्वेदा सिद्धा एंड यूनानी के लिए तो कहेंगे शेड्यूल टी ओके देखिए रिक्वायरमेंट ऑफ फैक्ट्री प्रीमाइसिस हाइजीन कंडीशंस फॉर आयुर्वेदिक इंक्लूडिंग सिद्धा एंड यूनानी ड्रग्स शेड्यूल टी ओके यू की बात कीजिए पार्टिकुलर्स टू बी शोन इन मैन्युफैक्चरिंग रो मेटीरियल एंड एनालिटिकल रिकॉर्ड ऑफ ड्रग एनालिटिकल रिकॉर्ड ऑफ ड्रग याद करना शेड्यूल यू के लिए और अगर एनालिटिकल रिकॉर्ड ऑफ कॉस्मेटिक्स की बात कर देंगे तो शेड्यूल यू वन आ जाएगा ओके okay? वी में

वाई को देखते समझ जाना कि क्लिनिकल ट्रायल्स की बात हो रही है वाई को देखते क्या समझ जाएंगे कि क्लिनिकल ट्रायल्स की बात हो रही है रिक्वायरमेंट एंड गाइडलाइंस ऑन क्लिनिकल ट्रायल्स फॉर इंपोर्टेंट मैन्युफैक्चर ऑफ न्यू ड्रग ओके तो ये हमारे हो गए शेड्यूल्स ओके okay? अभी हम क्या करेंगे इन शेड्यूल्स को रिवाइज करेंगे अभी तो हमने पढ़ लिए कैसे रिवाइज करेंगे एमसीक्यू के थ्रू ओके okay? और इसमें लिखा हुआ ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल्स जो है नाइनटीन फोर्टी फाइव डिवाइडेड इंटू एटीन पार्ट्स इज डीलिंग विद ए पर्टिकुलर सब्जेक्ट ओके okay, देखिए हम क्वेश्चन देखते हैं अब शेड्यूल्स के क्वेश्चन हमने इसमें लिए हैं तो देख लेते हैं कैसे क्वेश्चन है हमारे एग्जामिनेशन में कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं देखिए शेड्यूल्स के बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं कुछ भी घुमा फिरा के क्या ही पूछेंगे ना तो इस बिल्कुल सीधे क्वेश्चन होते हैं इसमें देखिए स्टैंडर्ड्स फॉर सर्जिकल ड्रेसिंग आपको बताया था टू एफ थ्री के बारे में है ना तो सर्जिकल ड्रेसिंग और अम्बलिकल टेप में कंफ्यूजन होता है तो सर्जिकल ड्रेसिंग एस पहले आता है ना यू बाद में आता है मैंने अभी आपको बताया ये ईएसआईसी में आया वो क्वेश्चन है देखिए शेड्यूल एच एच में क्या बताया लिस्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स है ना प्रिस्क्रिप्शन ड्रग के लिए हमारा शेड्यूल एच आया एफ एफ ओ स्टैंडर्ड्स ऑफ ओपथेलमी प्रेपरेशन है ना एफ थ्री और एफ टू में कंफ्यूज होंगे लेकिन अब नहीं होंगे क्यों क्योंकि हमने बता दिया एफ टू है स्टैंडर्ड्स फॉर सर्जिकल ड्रेसिंग अम्बलिकल टेप्स के लिए पूछेगा तो शेड्यूल एफ थ्री की बात कर देंगे ओके okay? तो क्लियर है ऑप्शन डी राइट हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन क्या शेड्यूल एस रेफर्स टू तो एस मैंने क्या बताया अभी आपको स्टैंडर्ड्स फॉर पेटेंट एंड प्रोप्राइटरी मेडिसिन के लिए शेड्यूल पी बताया वी सॉरी uh, uh, क्या बताया शेड्यूल वी वी पी पी से आपको याद कराया ना शेड्यूल वी किसके लिए है स्टैंडर्ड फॉर पेटेंट एंड प्रोप्राइटरी मेडिसिन शेड्यूल पी तो आपका लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग होता है स्टैंडर्ड्स फॉर कॉस्मेटिक्स आपका आंसर हो जाएगा शेड्यूल एस ओके स्टैंडर्ड्स फॉर डिसइंफेक्टेंट फ्लूड के लिए शेड्यूल ओ बताया आपको फिर स्टैंडर्ड्स फॉर बायोलॉजिकल एंड स्पेशल प्रोडक्ट्स के लिए आप बता दीजिए शेड्यूल सी हमारा होता है शेड्यूल सी में क्या आता है स्टैंडर्ड्स फॉर बायोलॉजिकल लेंस स्पेशल प्रोडक्ट्स ओके तो ये शेड्यूल सी हो जाएगा तो आपका आंसर ऑप्शन बी होगा क्लियर है फॉलोइंग कैन वी मार्केटेडर जेनरिक इनमें से कौन सी में मार्केट करते हैं देखिए है, है तो आपके जेनरिक नेम वाले ड्रग के लिए कौन सा शेड्यूल बताया देखिए शेड्यूल डब्बू में क्या था? नेम ड्रग विच कैन बी मार्केटेड अंडर जेनरिक ओनली जैसे इसमें अनालजिन आ जाएगी एस्पिरिन एंड इट्स सॉल्ट्स आ इट जाएंगे क्लोरप्रोमाजिन एंड इट्स सॉल्ट्स फेरासल्फेट पाइप्राजिन एंड इट्स सॉल्ट्स ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए स्टैंडर्ड्स फॉर मैकेनिकल कंट्रासेप्टिव कम्स अंडर शेड्यूल देखिए मैंने अभी जो है आपको क्या बताया स्टैंडर्ड्स फॉर मैकेनिकल कंट्रासेप्टिव्स देखिए स्टैंडर्ड फॉर मैकेनिकल कंट्रासेप्टिव्स के लिए क्या बताया आपको मैंने अभी आपको किसकी बात बताई थी शेड्यूल आर बताया था ना तो आपको ऑप्शन ए में ही शेड्यूल आर दिया हुआ है स्टैंडर्ड फॉर मैकेनिकल कंट्रासेप्टिव्स के आपका शेड्यूल शेड्यूल आर हो जाएगा बाकी पी किसके लिए बताया लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग के लिए शेड्यूल पी आ गया हमारा शेड्यूल एस में क्या देखा था हमने स्टैंडर्ड्स फॉर कॉस्मेटिक्स देखा था और शेड्यूल ओ में स्टैंडर्ड्स फॉर डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड आता है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए शेड्यूल डी एज पर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट इज कंसर्न विद तो शेड्यूल डी किसके लिए देखिए मैंने लिस्ट ऑफ एग्जामेड के लिए बताया था ना लिस्ट ऑफ ड्रग विच आर एग्जाम्पेड है ना तो उसमें आपका दो बताए थे एक तो शेड्यूल डी और शेड्यूल के है ना तो आपको शेड्यूल डी का पूछा है तो शेड्यूल डी में क्या आएगा देखिए लिस्ट ऑफ ड्रग एक्साम्पेड फ्रॉम प्रोविजन ऑफ इंपोर्ट ऑफ ड्रग तो मैंने कहा था डी आई से आप याद ड्रग इंस्पेक्टर जो होते हैं ना डी आई से आप लोग याद रख सकते हैं लिस्ट ऑफ ड्रग एक्साम्पेड फ्रॉम द प्रोविजन ऑफ इम्पोर्ट ऑफ ड्रग फिर डिजीज और एलिमेंट्स विच ड्रग मे नॉट परपोर्ट टू प्रिवेंट और क्योर तो इनक्योरेबल डिजीज के लिए शेड्यूल जे आ गया रिक्वायरमेंट ऑफ फैक्ट्री प्रमाइसिस आपका जो है ये दिया हुआ लिस्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन ड्रग है तो ये इसके लिए आपका शेड्यूल एच प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स के लिए आ गया नेक्स्ट है बायोलॉजिकल एंड बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स जो है कौन से शेड्यूल में इंक्लूड किए गए हैं तो ये आपको क्या बताया शेड्यूल सी में बताया मैंने शेड्यूल सी एंड सी वन आपका जो है ऑप्शन सी uh, में ही दिया हुआ है शेड्यूल सी एंड सी वन तो आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा ओके okay, तो बाकी इसमें देख लीजिए बायोलॉजिकल ये प्रोडक्ट शेड्यूल सी हो गया शेड्यूल सी एंड सी वन हो गया बाकी शेड्यूल एक्स में आपको पता ही है लिस्ट ऑफ नारकोटिक ड्रग्स हाइकोट्रॉपिक सब्सटेंस हैबिट फॉर्मिंग ड्रग्स आती है ए में एप्लीकेशन बताया फिर बी में फीस बता दिया नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए लिस्ट ऑफ ड्रग विच शुड बी आ, शुड बी यूज बाय पेशेंट अंडर मेडिकल सुपरविजन कवर अंडर डैश एज पर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट ओके तो देखिए आपको क्या पूछा है मेडिकल सुपरविजन वाली ड्रग्स पूछे सिंपल तो मैंने आपको क्या बताया था शेड्यूल जी जी को आपने जी एम एस से याद रखना है मेडिकल ड्रग्स के लिए जी आपने याद रखना है तो ऑप्शन जो आपको ए में शेड्यूल जी दिया है बाकी ड्रग है शेड्यूल जी में आपका इनक्यूरेबल डिजीज आता है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है एज पर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट शेड्यूल टी स्टेट्स अबाउट तो शेड्यूल टी किसके बारे में है देखिए मैंने अभी आपको क्या बताया था आपका जो है जीएमपी के लिए आपने शेड्यूल आप एम याद रखते हैं लेकिन अगर जीएमपी की बात होगी आयुर्वेदा सिद्धा एंड यूनानी के लिए आ, तो आप लोग शेड्यूल टी याद रखेंगे तो शेड्यूल टी किसके लिए है रिक्वायरमेंट ऑफ़ फैक्ट्री प्रीमाइसिस फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ मेडिकल डिवाइस दिया है तो मेडिकल डिवाइस आपका जो है एच से आपको एम वन याद कराया है ना तो ये मेडिकल डिवाइसेस वाला एम थ्री में आ गया तो ये तो एम थ्री की बात हो रही है रिक्वायरमेंट ऑफ फैक्ट्री प्रीमाइसिस फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ होम्योपैथिक ड्रग्स के लिए आपका शेड्यूल एम वन आ गया रिक्वायरमेंट ऑफ फैक्ट्री प्रीमाइस फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ आयुर्वेदा सिद्धा एंड यूनानी ड्रग्स तो ये ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा बाकी रिक्वायरमेंट ऑफ फैक्ट्री प्रीमाइसिस फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ एलोपैथिक ड्रग ओके तो आपका जो है आंसर ऑप्शन सी हो गया ओके नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है शेड्यूल डैश ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट इंक्लूड रिक्वायरमेंट एंड गाइडलाइन ऑन क्लिनिकल ट्रायल फॉर इम्पोर्ट एंड मैनुफेक्चर ऑफ न्यू ड्रग तो मैंने आपको क्या बताया क्लिनिकल ट्रायल्स को देखते ही समझ जाना है कि शेड्यूल वाई की बात हो रही है है ना तो देखिये शेड्यूल डब्ल्यू दिया है डब्ल्यू में क्या लिस्ट ऑफ जेनरिक ड्रग्स मैंने आपको डब्ल्यू जी वे जिस से याद करना बताया जेनरिक ड्रग्स के लिए आपका शेड्यूल डब्ल्यू होता है एक्स में नार्कोटिक ड्रग्स साइकोट्रोपिक सबस्टेंस हैबिट फॉर्मिंग ड्रग्स के लिए आपका जो है शेड्यूल एक्स आता है और शेड्यूल

मैक्सिमम नहीं मिनिमम इक्विपमेंट फॉर एफिशिएंट रनिंग ऑफ फार्मेसी होता है एरिया फॉर ओपनिंग रिटेल फार्मेसी लिस्ट ऑफ मिनिमम इक्विपमेंट ये ऑप्शन सी हो जाएगा मिनिमम इक्विपमेंट फॉर एफिशिएंट रनिंग ऑफ फार्मेसी ओके ऑप्शन सी नेक्स्ट क्वेश्चन एज पर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट शेड्यूल एफ एफ इज रिलेटेड विद एफ एफ ओ याद कराया अभी आपको तो एफ एफ किसके लिए बताया स्टैंडर्ड्स फॉर ऑपथेलमिक प्रेपरेशंस देखिए पेरेंटल प्रेपरेशन ऑइंटमेंट फॉर्मुलेन्स स्किन कॉस्मेटिक या फिर ऑपथेलमिक ऑप्शन डी हो जाएगा ऑपथेलमिक प्रेपरेशंस नेक्स्ट है शेड्यूल एफ थ्री इज रिलेटेड विद तो एफ थ्री आपको किसके लिए बताया शेड्यूल एफ थ्री देखिए स्टैंडर्ड्स फॉर सर्जिकल ड्रेसिंग के लिए एफ टू आया था और एफ थ्री स्टैंडर्ड्स फॉर स्टीराइल एम्बलिकल टेप्स के लिए आया था तो ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा स्टैंडर्ड फॉर स्टीराइजलाइज एम्बलिकल टेप्स बाकी स्टैंडर्ड्स फॉर आपका दिया है ओपथेलमिक प्रेपरेशन के लिए आपका अभी बताया शेड्यूल एफ एफ बताया ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टैंडर्ड्स फॉर डिसइनफेक्टेंट फ्लूड कम्स डिस इनफेक्टेंट फ्लूड्स के लिए कौन सा शेड्यूल आता है बताइए शेड्यूल आपको ओ हो जाएगा ऑप्शन ए बाकी शेड्यूल आर में क्या आता है स्टैंडर्ड्स फॉर मैकेनिकल कंट्रासेप्टिव शेड्यूल एस में स्टैंडर्ड्स फॉर कॉस्मेटिक्स आता है और शेड्यूल ई e आपका जो पॉइजन के लिए जो शेड्यूल ई e क्या है ओमिटेड है ना लिस्ट ऑफ पॉइजनस ड्रग आती है शेड्यूल ई e में नेक्स्ट है अंडर विच शेड्यूल द रिक्वायरमेंट फॉर डिस्प्लेइंग मैन्यूफैक्चरिंग रॉ मटीरियल एंड अनालिटिकल रिकॉर्ड ऑफ़ ड्रग देखिए अनालिटिकल रिकॉर्ड ऑफ़ ड्रग की बात हो रही है अनालिटिकल रिकॉर्ड ऑफ ड्रग के लिए कौन सा आता है शेड्यूल यू एम यू वन या डब्ल्यू तो अनालिटिकल रिकॉर्ड ऑफ ड्रग की बात हो तो शेड्यूल यू हो जाएगा अगर एनालिटिकल रिकॉर्ड ऑफ कॉस्मेटिक्स की बात करते तो आप लोग यू वन याद रखते हैं ना एम में आपका जीएम आता है डब्ल्यू में जेनरिक ड्रग्स लिस्ट ऑफ जेनरिक ड्रग याद कर लेना ओके लिस्ट ऑफ कोल तार कलर्स परमिटेड टू बी यूज्ड इन कॉस्मेटिक्स इज इज कवर्ड कवर्ड अंडर अंडर लिस्ट ऑफ कोल तार कलर्स परमिटेड टू बी यूज्ड इन कॉस्मेटिक्स ठीक है तो इसके लिए बताइए शेड्यूल ओ है शेड्यूल पी है शेड्यूल क्या हुआ है शेड्यूल आर तो लिस्ट ऑफ कोल तार कलर्स के लिए हमारा शेड्यूल क्या हुआ आता है ओके याद रखना है शेड्यूल क्यों में आ जाएगा लिस्ट ऑफ कोल तार कलर्स आ जाएगा ओके बाकी आर में मैंने बता दिया मैकेनिकल कंट्रासेप्ट के लिए पी में लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग याद रखना है और पैक साइज ऑफ ड्रग के लिए पी वन था पैक साइज ऑफ ड्रग के लिए ओके बाकी ओ में स्टैंडर्ड्स फॉर डिसइंफेक्टेंट इन्फेक्टेंट फ्लूड आ गया नेक्स्ट है शेड्यूल जे इज रिलेटेड टू जे में क्या आता है आपका इनक्यूरेबल डिजीज के लिए मैंने आपको शेड्यूल जे बताया जी एम पी तो शेड्यूल एम में आ जाएगा क्यूरेबल डिजीज नहीं होगा लिस्ट ऑफ डिजीज एलिमेंट्स विच ड्रग कैन नॉट क्लेम ओके तो आपका ऑप्शन जो है सी राइट right हो जाएगा बाकी पैक साइज ऑफ ड्रग जो होता है ये पी वन में आता है नेक्स्ट क्वेश्चन है शेड्यूल सी इज रिलेटेड टू तो शेड्यूल सी में मैंने बताया था लिस्ट ऑफ बायोलॉजिकल एंड स्पेशल प्रोडक्ट बोल दीजिए या फिर लिस्ट ऑफ बायोलॉजिकल एंड इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट्स बोल दीजिए ओके ऑप्शन ए राइट हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल इंक्लूड शेल्फ लाइफ ऑफ ड्रग तो लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग बोल दीजिए शेल्फ लाइफ ऑफ ड्रग बोल दीजिए इसके लिए हमारा शेड्यूल पी आता है ऑप्शन हमारा डी राइट right हो जाएगा शेड्यूल पी नेक्स्ट है नेम ऑफ ड्रग शैल बी मार्केटेड अंडर जेनरिक नेम ओनली कम्स अंडर तो जेनरिक नेम्स के लिए मैंने अभी आपको क्या बताया शेड्यूल डब्ल्यू बताया ऑप्शन आपका ए राइट right हो जाएगा है ना नेक्स्ट है ब्लड बैंक कम्स अंडर द शेड्यूल तो ब्लड बैंक के लिए आपका शेड्यूल कौन सा था शेड्यूल बी में तो आप लोगों ने फीस याद रखना फीस फॉर टेस्ट एनालिसिस इन सब के लिए शेड्यूल डी में लिस्ट ऑफ ड्रग सर्टेन प्रोविजन एप्लीकेबल टू द इम्पोर्ट है ना और एफ आ दिया है ब्लड बैंक के लिए आपका शेड्यूल एफ हो जाएगा ओके बाकी शेड्यूल जी मेडिकल सुपरविजन वाली ड्रग्स नेक्स्ट है शेड्यूल एक्स प्रोवाइड लिस्ट ऑफ शेड्यूल एक्स में क्या आएगा नारकोटिक ड्रग साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस रिस्ट्रिक्टेड ड्रग देखिए सभी आ जाएंगे ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज प्लेस्ड अंडर शेड्यूल एक्स शेड्यूल एक्स में कौन सी ड्रग आती है नार्कोटिक ड्रग साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस हैबिट फॉर्मिंग ड्रग्स आती है ऑप्शन में देख लीजिए आपको ये हो जाएगी डेक्स एम्फिटामिन हो जाएगी ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है शेड्यूल जे इज रेडी टू शेड्यूल जे किसके लिए बताया आपको लिस्ट ऑफ जो आपका इनक्योरेबल डिजीज़ के लिए बताया तो ये रिपीट हो गया क्वेश्चन ऑप्शन सी हो जाएगा ओके okay? नेक्स्ट क्वेश्चन है शेड्यूल एक्स ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट कंपराइड एक्स में क्या बताया नारकोटिक ड्रग्स साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस हैबिट फॉर्मिंग ड्रग लेकिन लिस्ट ऑफ इंक्योरेबल डिजीज के लिए शेड्यूल जे हो गया गाइडलाइंस फॉर क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए शेड्यूल वाई हो गया लिस्ट ऑफ जेनेटिक ड्रग के लिए शेड्यूल डब्ल्यू हो गया तो इनमें से तो कोई आंसर ही नहीं है तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी नन ऑफ द अब ऐसे भी होता है ओके okay? नेक्स्ट है इंजेक्शन एंड नीडल्स आर कवर्ड अंडर शेड्यूल ए ए में तो एप्लीकेशन पड़ा बी में फिर फीस देनी है सी में आपका लिस्ट ऑफ बायोलॉजिकल एंड स्पेशल प्रोडक्ट्स तो ऑप्शन सी ही राइट हो जाएगा बाकी शेड्यूल डी में तो मैंने आपको क्या बताया शेड्यूल डी याद कर लिस्ट ऑफ ड्रग एग्जाम्पेड फ्रॉम सर्टेन प्रोविजन एप्लीकेबल टू द इम्पोर्ट ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है शेड्यूल एक्स प्रोवाइड लिस्ट ऑफ तो इसमें नारकोटिक ड्रग्स ये फिर से रिपीट हो गया ऑप्शन डू डी हो जाएगा सारी लिस्ट है इसमें नहीं सर इन द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट एंड रूल शेड्यूल रिलेटिंग टू जी एम पी जी एम पी के लिए कौन सा शेड्यूल बताया आपको ऑप्शन ए शेड्यूल एम हो जाएगा जी एम पी के लिए बाकी सी में क्या है लिस्ट ऑफ़ बायोलॉजिकल एंड स्पेशल प्रोडक्ट्स वाई को देखते क्लिनिकल ट्रायल्स समझ जाना है हम लोगों ने एच में प्रिस्क्रिप्शन ड्रग लिस्ट ऑफ़ प्रिस्क्रिप्शन ड्रग ओके नेक्स्ट है लिस्ट ऑफ डिजीज एंड एलिमेंट्स विच अ ड्रग मे नॉट परपोर टू प्रिवेंट और क्योर और मे क्लेम टू प्रिवेंट और क्योर अंडर द ड्रग एंड कॉस्मेटिक फोर्टी फाइव इज गिवन अंडर तो वो ये आपको लिस्ट ऑफ इनकेरेबल डिजीजेज जो है वो आपका शेड्यूल जे में आता है ऑप्शन ए राइट हो जाएगा बाकी शेड्यूल के में मैंने आपको क्या बताया था अभी शेड्यूल डी और के बताया था ना डी में तो आपका जो है लिस्ट ऑफ ड्रग एग्जाम फ्रॉम सर्टेन प्रोविजन एप्लीकेबल टू इम्पोर्ट और इसमें जो है मैन्युफैक्चर का होता है लिस्ट ऑफ ड्रग एग्जाम फ्रॉम द प्रोविजन एप्लीकेबल टू मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग ओके जीएमपी पी में लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग ओके नेक्स्ट है द शेड्यूल इन ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट द डीर्गर स्टैंडर्ड फॉर डिस इन्फेक्टेंड फ्लूड के लिए शेड्यूल ओ हमने देखा था ऑप्शन सी हो, uh, हो जाएगा शेड्यूल ओ हो जाएगा ओके नेक्स्ट है मैन्युफैक्चरिंग एंड एनालिटिकल रिकॉर्ड ऑफ कॉस्मेटिक्स आर इंक्लूडेड इन विश शेड्यूल तो मैन्युफैक्चरिंग एंड एनालिटिकल रिकॉर्ड ऑफ ड्रग के लिए तो आपने क्या था? देखा था शेड्यूल यू देखा था कॉस्मेटिक्स के लिए मैंने क्या कहा था यू वन याद रखना है आप लोगों ने है ना तो याद रखना वाई को देखते क्लिनिकल ट्रायल्स की बात हो रही है यू का आपको बता दिया वी में स्टैंडर्ड्स फॉर पेटेंट एंड प्रोप्राइटरी मेडिसन्स नेक्स्ट है शेड्यूल टू विच लिस्ट ऑफ ड्रग टू बी सोल्ड ऑन प्रिस्क्रिप्शन ओनली बिलोंग्स टू तो प्रिस्क्रिप्शन ड्रग के लिए आपका शेड्यूल एच आता है ऑप्शन आपका ए राइट right हो हो ओके बाकी जी में मेडिकल सुपरविजन वाली ड्रग्स आती हैं वाई को देखते क्लिनिकल ट्रायल्स की बात हो रही है और एक्स में नारकोटिक ड्रग्स साइकोट्रोपिक सब्सटेंस हैबिट फॉर्मिंग ड्रग्स नेक्स्ट है शेड्यूल एस इन ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट टू तो द रूल्स स्टैंड्स फॉर शेड्यूल एस आपका स्टैंडर्ड्स फॉर कॉस्मेटिक्स है ना तो ऑप्शन जो है सी में दिया है बाकी सर्जिकल ड्रेसिंग्स के लिए एफ2 देखा अम्बिलिकल टेप्स के लिए एफ3 देखा डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड्स के लिए शेड्यूल ओ हो गया नेक्स्ट है द शेड्यूल फॉर गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस एंड रिक्वायरमेंट ऑफ़ फैक्ट्री प्रीमाइजिस फॉर मैन्युफैक्चर बिलोंग्स टू तो वही जी एम पी के देखिए ये ई एस एस दो हज़ार सोलह में आया हुआ है तो इस टाइप से क्वेश्चन रिपीट होते हैं बहुत शेड्यूल्स के बहुत क्वेश्चन रिपीट होते हैं ओके जी एम पी के लिए शेड्यूल एम आ जाएगा ओके okay? नेक्स्ट है पैक साइज ऑफ ड्रग इज कवर्ड अंडर तो देखिए लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग के लिए शेड्यूल पी बताया था है ना और पैक साइज ऑफ ड्रग के लिए पी वन बताया था ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है शेड्यूल जे इज रेडी टू तो ये फिर से क्वेश्चन आ गया लिस्ट ऑफ डिजीज एंड एलिमेंट्स ये वाला क्वेश्चन इनक्योरेबल डिजीज नेक्स्ट है एज पर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट रूल शेड्यूल पी डी तो पी में क्या बताया लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग पैक साइज के लिए पी वन हो गया पैक साइज के लिए तो क्या हो गया पी वन हो गया और लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग इन मंथ आपका ये लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग के लिए शेड्यूल पी स्टैंडर्ड्स फॉर कॉस्मेटिक्स के लिए शेड्यूल एस स्टैंडर्ड्स फॉर एंड अदर मैकेनिकल कॉन्डोमिकल्टिस के लिए शेड्यूल आर नेक्स्ट है शेड्यूल सी एंड शेड्यूल एन एस पर द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट डील विद द फॉलोइंग शेड्यूल का है शेड्यूल सी पूछा है और शेड्यूल एन पूछा है तो आपने ना इस टाइप से आंसर करना है तो सिंपल आपको तो आता ही है देखिए सी किसके स्टैंडर्ड्स फॉर कॉस्मेटिक्स के तो शेड्यूल एस है बायोलॉजिकल एंड स्पेशल प्रोडक्ट्स के लिए शेड्यूल सी तो हो जाएगा तो शेड्यूल सी तो आपका हो गया जो है क्यू वाले के लिए फिर लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग के लिए हमारा शेड्यूल पी हो गया हमसे पूछा एन लिस्ट ऑफ मिनिमम इक्विपमेंट फॉर एफिशिएंट रनिंग ऑफ द फार्मेसी शेड्यूल एन का हो गया एस तो क्यू और एस आपके सही है कौन से ऑप्शन में दे रखा है क्यू एंड एस ऑप्शन बी में दे रखा है है ना तो आपको सिंपल क्लियर हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन है शेड्यूल एच एंड शेड्यूल एस एज पर द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट डील विद द फॉलोइंग तो अभी आपने शेड्यूल एच और शेड्यूल एस का बताना है तो एच में हमें पता है लिस्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन ड्रग आती है एस में स्टैंडर्ड्स फॉर कॉस्मेटिक्स आता है ना देखिए प्रिस्क्रिप्शन ड्रग विच आर रिक्वयर्ड टू बी सोल्ड बाय रिटेल ओनली ऑन प्रिस्क्रिप्शन ऑफ आर एम पी तो बिल्कुल सही बात है ये लिस्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन ड्रग है शेड्यूल एच स्टैंडर्ड्स फॉर कॉस्मेटिक्स के लिए शेड्यूल एस है तो आपका तो आंसर तो पी और क्यू ही हो गया है ना जो ऑप्शन ए में दिया है है ना और बायोलॉजिकल एंड स्पेशल प्रोडक्ट्स के लिए शेड्यूल आपका सी आता है लिस्ट ऑफ कोल तार कलर के लिए आपका शेड्यूल क्या क्यू आता है ओके तो आपका आंसर क्या हो गया ऑप्शन ए हो जाएगा पी एंड क्यू नेक्स्ट आपको फिर से मैच वाला क्वेश्चन है देखिए एज पर ड्रैगन कॉस्मेटिक एक्ट मैच द करेक्ट शेड्यूल टू देयर कोरस्पोंडिंग टाइटल्स ओके देखिए आपको शेड्यूल्स लिखे हुए हैं कौन सा शेड्यूल किसके लिए है देखिए शेड्यूल पी किसके लिए बताया लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग के लिए बताया क्या किसके लिए लिस्ट ऑफ कोल तार कलर्स के, 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 के लिए बताया शेड्यूल एस किसके लिए बताया स्टैंडर्ड्स फॉर कॉस्मेटिक्स के लिए बताया एफ किस के लिए बताया एफ एफ ओ स्टैंडर्ड्स फॉर ऑफ थेमिक प्रेपरेशन है ना तो आप देख लीजिए मैच कर लीजिए पी का लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग आगे ही लिखा हुआ है इसके आगे लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग हो गया क्या का भी इसके आगे मैंने इसके सबके इसके आगे ही लिख दिया है है ना तो ये आपका हो गया क्लियर सा, आपके शेड्यूल सा भी आ, और क्वेश्चन देखिए इसमें फिर से मैच करना है ओके मैच द फॉलोइंग शेड्यूल देखिए आपको रिक्वायरमेंट ऑफ फैक्ट्री प्रीमाइसिस दिया है तो शेड्यूल एम में आता है ये स्टैंडर्ड्स फॉर डिसइंफेक्टेंट इन्फेक्टेंट फ्लूड के लिए आपका शेड्यूल ओ आता है लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग के लिए शेड्यूल पी आता है लिस्ट ऑफ़ मिनिमम इक्विपमेंट फॉर द एफिशिएंट रनिंग ऑफ फार्मेसी के लिए शेड्यूल एन आता है तो मेरे हिसाब से आपके शेड्यूल्स के क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से रिवाइज हो गए अभी मेरे हिसाब से शेड्यूल्स से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो हमारा गलत नहीं होगा है ना बहुत अच्छे से हमने शेड्यूल्स को रिवाइज कर लिया अभी जो है आपके एक्ट और उनके ईयर से भी क्वेश्चन बनते हैं तो मैंने यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट एक्ट लिखे हैं और उनके ईयर्स लिखे हुए हैं देखिए ओपियम एक्ट है 1857 का फिर पॉइजन एक्ट आता है 1919 का 1919 का डेंजरस एक्ट आता है 1930 का फिर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट जो है ये एक्ट कब का है टेंथ अप्रैल नाइनटीन का है और इसके रूल्स हैं नाइनटीन में आए से ओके देखिए आपके जो फार, फार्मेसी एक्ट है और तो ये फार्मेसी एक्ट है फोर्थ मार्च 1948, 1948 में तीन एक्ट याद रखेंगे फार्मेसी एक्ट फैक्ट्री एक्ट और मिनिमम एक्ट तीनों 1948 में है ड्रग एंड मैजिक रेमिडीज एक्ट की बात कीजिए ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट आया 1954 में और केम इन टू फोर्स लागू कब हुआ फर्स्ट अप्रैल 1955 को इसेंशियल कॉमोडिटीज एक्ट याद रखेंगे मेडिकल एंड टॉयलेट प्रेपरेशन एक्ट है, है 1955 का। इसके रूल्स आए नाइनटीन में ओके फिर है प्रिवेंशन टू एनिमल एक्ट आया 1960 में पेटेंट एक्ट है 1970 का मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट ये 1971 का है और इसके रूल्स 1975 में आए हैं ध्यान रखना है नारकोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट जो है ये आपका है 1985 का ओके और केम इनटू फोर्स लागू कब हुआ 14th नवंबर 1985 और ड्रग एंड ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर जो है 1995 का लेटेस्ट जो है ये 2013 में भी आ गया है ओके तो ये हैं हमारे डिफरेंट डिफरेंट एक्ट और उनके ईयर ओके तो अब इसके भी कुछ क्वेश्चंस आप लोग देख लीजिए एक्ट और उनके ईयर के क्वेश्चंस मैंने थोड़े से लिए हैं जो हमारे एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं देखिए पेटेंट एक्ट इज़ एप इन तो मैंने पेटेंट एक्ट कब बताया आपको देखिए 1948 में तो आपने क्या देखा फार्मेसी एक्ट देखा फैक्ट्री एक्ट देखा और मिनिमम मिनिमम वेजिस एक्ट देखा है ना तो आपका जो है आंसर क्या हो गया इसका पेटेंट एक्ट का 1940 फोर्टी दिया नाइनटीन में ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट आप लोगों ने देखा है 1970 जो है आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बाकी 1919 में हमने क्या देखा है पॉइजन एक्ट देखा है तो हमारा आंसर क्या हो गया ऑप्शन सी हो गया नाइनटीन ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वॉज ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट पास तो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 में पढ़ा है आपने अभी ऑप्शन में देखिए एक ही ऑप्शन में 1940 मिला है ऑप्शन ए में टेंथ अप्रैल 1940 फोर्टी एग्जैक्ट डेट भी पूछ सकते हैं आपसे तो आपने याद रखनी है टेंथ अप्रैल 1940 ओके okay? आपका देखिए इसमें जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया पीसीआई सी गवर्न बाय द प्रोविजन ऑफ फार्मेसी एक्ट इन विच ईयर वॉज दिस एक्ट पास सिंपल पूछा फार्मेसी एक्ट कब पास हुआ तो मैंने आपको बताया फार्मेसी एक्ट पास हुआ नाइनटीन में और 1948 में फैक्ट्री एक्ट, एक्ट बताया और मिनिमम वेजिस एक्ट बताया है ना तो आपका आंसर ऑप्शन वन हो गया नहीं सर पॉइन एक्ट वाज पास इन द ईयर पॉइन एक्ट कब बताया नाइनटीन नाइनटीन उन्नीस में है ना नाइनटीन में क्या बताया था ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट है ना और 1949 में देखिए फार्मेसी एक्ट तो 1948 में आया और फर्स्ट पीसीआई का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो 1949 में हुआ ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट वॉज पास इन द ईयर तो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट कब पास हुआ तो ये देखिए नाइनटीन सेवनटी वन आ जाएगा ओके तो देखिए ये एक्ट में आए इसके रूल्स फाइव में आए नहीं तो प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल एक्ट वॉज इनैक्टेड इन तो प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू तो एनिमल एक्ट वॉज इनैक्टेड इन तो इसके लिए देखिए दिया है 1960 आपका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट वॉज पासड इन तो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट आपका 1940 में पास हुआ और इसके रूल्स 1945 में आए थे ओके नेक्स्ट है डीपीओ ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर जो है वो एक्सरसाइज बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन तो डीपीसीओ के लिए मैंने आपको नाइनटीन बताया ऑप्शन आपका बी हो जाएगा नेक्स्ट है ड्रगन मैजिक रेमडीज़ एक्ट वॉज पासड इन तो ड्रगन मैजिक रेमिडीज़ एक्ट आपका नाइनटीन का है ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा ओके जैसे ड्रग एंड मैजिक रेमिडीज एक्ट केम इनटू फोर्स पास हुआ नाइनटीन फिफ्टी फोर में है ना केम इनटू फोर्स कब आएगा देखिए नाइनटीन फिफ्टी में तो होगा नहीं पास हुआ नाइनटीन फिफ्टी फोर में तो उससे पहले कैसे लागू होगा फिफ्टी वाला ऑप्शन काट दीजिए दो ऑप्शन पे आ गया आप लोग तो देखिए अभी इसमें आपको एग्जैक्ट डेट याद होनी चाहिए है ना फर्स्ट अप्रैल नाइनटीन फिफ्टी फाइव में केम इंटू फोर्स हुआ है ओके नहीं सर मेडिकल एंड टॉयलेट प्रेपरेशन एक्ट केम इंटू फोर सिंह तो मेडिकल एंड टॉयलेट प्रेपरेशन एक्ट है ये केम इंटू फोर्स कब ये लागू हुआ ये पूछा है ओके तो देखिए नाइनटीन फिफ्टी सेवन सिक्सटी सेवन तो ये आपका हो जाएगा नाइनटीन फिफ्टी सेवन में ओके देखिए ये एक्ट पास हुआ नाइनटीन फिफ्टी फाइव में इसके रूल नाइनटीन फिफ्टी सिक्स में आए और लागू कब हुआ फर्स्ट अप्रैल नाइनटीन फिफ्टी सेवन ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है एम टी पी एक्ट वॉज पासड इन द ईयर तो एम टी पी एक्ट कब पास हुआ देखिए ऑप्शन में देखिए ऑप्शन देखेंगे आप तो आपको समझ में आ जाएगा एम टी पी मतलब कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट की बात हो रही है है ना तो ये आपका पास कब हुआ 1971 में ऑप्शन हमारा बी राइट फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया देखिए पीसीआई के जो मेंबर हैं आपके एक्सोफी जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं और एक्स ओफिशियर देखिए इलेक्टेड मेंबर होते हैं कितने होते हैं आठ होते हैं तो ये भी कुछ क्वेश्चन एग्जाम में आ गया कि फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया में इलेक्टेड मेंबर कितने होते हैं कितने होते हैं आठ होते हैं जिनमें से सिक्स टीचर्स एटलीस्ट फोर सेलेक्टेड बाई यूजीसी ओके छह टीचर्स होते हैं जिनमें से चार यूजीसी सेलेक्ट करती है

में, मेंबर्स तो सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनेट करती है अब एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि पीसीआई जो है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट कितने मेंबर नॉमिनेट करती है कितने करती है छह मेंबर नॉमिनेट करती है एक स्टेट गवर्नमेंट नॉमिनेट करती है ओके और एक जो होता है रिप्रेजेंटेटिव होता है यू और ए का तो ये आपके नो नॉमिनेटेड मेंबर्स हो गए ओके देखिए आठ इलेक्टेड हो गए नौ नॉमिनेटेड हो गए और तीन एक्स ऑफिशियल होते हैं कितने हो गए टोटल कैलकुलेट कर लीजिए ट्वेंटी मेंबर्स हो गए है ना तो नॉमिनेटेड मेंबर्स में से छह तो सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनेट करती है एक स्टेट गवर्नमेंट नॉमिनेट करेगी देखिए लिखा हुआ है और एक होता है रिप्रेजेंटेटिव ईच ऑफ यू एंड ए का तो ये नॉमिनेटेड मेंबर्स हो गए और जो एक्स ऑफिशियल मेंबर्स होते हैं तीन होते हैं कौन कौन से तीनों के नाम याद होने चाहिए डायरेक्टर जनरल ऑफ़ हेल्थ सर्विस डी ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया एंड डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी ये है एक्स ऑफिशियो मेंबर्स ऑफ द पीसीआई तो ये हमारे पीसीआई के मेंबर्स हो गए है ना इलेक्टेड हो गए आठ नॉमिनेटेड हो गए नाइन और एक्स ऑफिशियो हो गए तीन एक्स ऑफिशियो के तीनों के नाम याद है हमें डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया डायरेक्टर सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी ओके फिर आपके जो नो नौ, नॉमिनेटेड मेम्बर हैं उनमें मैंने क्या बताया छह तो सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनेट कर रही है एक स्टेट गवर्नमेंट नॉमिनेट करेगी एक रिप्रेजेंटेटिव होगा ए यू का एक ए का ओके अब इलेक्टेड मेंबर्स जो है हमारे जिनमें से छह टीचर्स टीचर इज फोर सलेक्टेड बाई यू एक मेंबर इलेक्टेड बाय एम और एक रजिस्टर्ड इलेक्टेड बाय स्टेट काउंसिल ये हमारे पी के मेंबर्स हो गए होंगे ओके अभी जो है आपके स्टेट फार्मेसी काउंसिल के मेंबर्स देखिए देखिए स्टेट फार्मेसी काउंसिल जो है इसमें इलेक्टेड मेंबर कितने होते हैं सेवन तो ये क्वेश्चन भी आ गया कि स्टेट फार्मेसी काउंसिल में इलेक्टेड मेंबर कितने हैं सात होते हैं जिसमें से छह तो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हो जाएंगे और एक मेंबर इलेक्टेड बाय एम छह क्या है रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट है और एक मेंबर इलेक्टेड बाय एम ओके देखिए साथ साथ में जॉइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल का भी देख लीजिए इसमें जो है इलेक्टेड मेंबर जो होते हैं तीन से पांच रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होता है ऑफ ईच पार्टिसिपेटेड स्टेट ओके और एक मेंबर इलेक्टेड बाय मेडिकल काउंसिल ऑफ ईच स्टेट और जो है स्टेट फार्मेसी काउंसिल के अब आप नॉमिनेटेड मेंबर्स देखिए नॉमिनेटेड मेंबर्स पाँच होते हैं जिनमें से तीन मेबर फाइव मेंबर एटलीस्ट थ्री स्टूडेंट नॉमिनेटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट ओके और जो जॉइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल के नॉमिनेटेड मेंबर्स में क्या टू टू फोर स्टूडेंट्स नॉमिनेटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट ओके और जो है स्टेट फार्मेसी काउंसिल के एक्स ऑफिशियल मेंबर्स तीन है तीनों के नाम याद रखना सेम सेम ही है दोनों के ओके देखिए चीफ एडमिनिस्ट्रेटर मेडिकल ऑफिसर ऑफ द स्टेट ऑफिस चार्ज ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट एंड गवर्नमेंट एनालिस्ट ये क्या है आपके एक्स ऑफिशियल मेंबर्स है स्टेट फार्मेसी काउंसिल की बात हो रही है ध्यान रखना ओके okay? तो ये स्टेट फार्मेसी काउंसिल के हमारे एक्स ऑफिशियल मेंबर तीन है इसमें और फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया में भी हमने तीन ही जो है एक्स ऑफिशियल मेंबर्स देखी ओके okay? अभी डी टैप की ओर देख लेते हैं देखिए जो आपका ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड डी टैब होता है ठीक है ये तो इसके में सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट कराती है टू एडवाइज सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट ऑन टेक्निकल मैटर्स ओके कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है इसका थ्री ईयर्स के लिए होता है और चेयरपर्सन डी टैब का होता है डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस जो हमने पीसीआई के एक्स फीसियर मेंबर्स में भी देखा है ना ओके अभी आपको मेंबर्स देखिए मेंबर्स में इलेक्टेड पांच होते हैं नॉमिनेटेड भी पांच होते हैं एक्स एक्सपीशियो आठ होते हैं ध्यान डी टाइम में पांच नॉमिनेटेड पाँच इलेक्टेड और आठ एक्स ऑफिशियो होते हैं टोटल एटीन हैं इलेक्टेड पाँच जो है एक टीचर होगा फार्मेसी का एक टीचर फार्माकोलॉजी एक टीचर इन मेडिसिन ए पर्सन इलेक्टेड बाय इंडियन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन वन पर्सन इलेक्टेड बाय काउंसिल ऑफ सेंट्रल मेडिकल एसोसिएशन ये है आपके इलेक्टेड जो पाँच मेबर्स हैं फिर नॉमिनेटेड पांच मेम्बर्स कौन कौन से हैं देखिए ज्यादातर जो क्वेश्चन बनता है ना मोस्टली क्वेश्चन जो आता है डी टैप पर ये ना नॉमिनेटेड मेंबर्स के ऊपर आता है और ज़्यादातर ये पूछते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट कितने मेंबर्स नॉमिनेट कर रही है ऐसे पीसीआई में भी आता है नॉमिनेटेड मेंबर्स के बारे में कि सेंट्रल गवर्नमेंट कितने मेंबर्स नॉमिनेट करा रही है तो ध्यान रखना है आप नॉमिनेटेड मेंबर्स में दो पर्सन तो नॉमिनेट करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रॉम अमंग्स मेंबर हु आर इन चार्ज ऑफ ड्रग कंट्रोल इन स्टेट ठीक है तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कितने मेंबर नॉमिनेट करे दो दो गवर्नमेंट एनालिस्ट होंगे एक पर्सन फ्रॉम फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री ये नॉमिनेटेड मेंबर्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट है एक्स ऑफिशियल मेंबर आठ आथ है आठों के नाम आपको याद होने चाहिए देखिए डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ तो ये भी याद रखना कि सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है लखनऊ में है डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल ड्रग लैबोरेटरी जो कहाँ पर है कोलकाता में डायरेक्टर ऑफ इंडियन वेटरन रिसर्च इंस्टीट्यूट ये कहाँ पर है इजत नगर में डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट प्रेजेंट इन कसौली प्रेजिडेंट ऑफ पी सी आई प्रेजिडेंट ऑफ एम सी आई ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया तो ये हमारे हैं एक्स ऑफिशियो मेंबर्स ऑफ द डी टाइप तो सारे नाम आपको याद होने चाहिए एक्स ऑफिशियो मेंबर पी सी आई के पी सी आई के तो तीन मेंबर हैं है ना स्टेट फार्मेसी काउंसिल के भी तीन हैं एक्स ऑफिशियल मेंबर आपके डी टाइप के आठ हैं आठ के आठ नाम या आपको याद होने चाहिए क्योंकि ना एग्जाम में ना क्वेश्चन बनता है जैसे आपको इसमें से तीन नाम इसमें से दे दिए एक अलग दे, दे देंगे कहेंगे कि, कि भाई कौन सा इसमें से एक्स ऑफिशियल मेंबर नहीं है या फिर इनमें से एक दे दिया तीन अलग दे दिए है ना तो इस टाइप से बनते हैं तो एक्स ऑफिशियल मेंबर्स हैं डी टाइप के डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस हो जाएगा ओके डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी कोलकाता डायरेक्टर ऑफ इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट इजतनगर डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट कसौली प्रेजिडेंट ऑफ पी सी आई प्रेजिडेंट ऑफ एम सी एंड ड्रग कंट्रोल ऑफ इंडिया ओके तो देखिए ये हो गए हमारे जो है डिफरेंट डिफरेंट जो हमारे मेम्बर्स हैं अभी देखिए एक बात और क्या है इसके जो एम सी क्यूज़ है ना आपको जो इसके एम सी क्यूज़ करने हैं मैंने जूनियर स्टूडेंट्स का वन फिफ्टी एम सी क्यू का वीडियो डाला हुआ है मैं इस वीडियो के ना एंड स्क्रीन पे वो वीडियो लगा दूंगी ठीक है तो आप उसको रिवाइज कर लेना उसमें ना आपको मोस्टली जू स्टूडेंट्स ना उस उस ये वाला वीडियो ना रिवाइज हो जाएगा क्योंकि जो 150 फिफ्टी क्वेश्चन है ना ये एक्सप्लेनेशन के साथ में है तो इससे क्या होगा आपका मोस्टली जूर स्टूडेंट्स का जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है सारे मैंने इसमें नोट डाउन किए हुए एम सी के साथ आपको एक्सप्लेनेशन में जो है इम्पोर्टेंट पॉइंट्स प्रोवाइड कराए हुए हैं आपको देखिए लाइसेंस लिखे हुए एक तरफ एक तरफ रिटेल के लिए फिर रिस्ट्रिक्टेड फिर होलसेल देखिए अगर आपको पूछे अदर देन दो स्पेसिफाइड इन शेड्यूल सी सी वन एक्स है ना अगर जो है सी अदर देन ये ध्यान से पढ़ना है देखिए अदर देन सी सी वन एक्स अदर देन सी सी वन एक्स के लिए आपने याद रखना है ट्वेंटी फॉर्म नंबर ट्वेंटी अदर देन सी सी वन एक्स क्लियर याद रखेंगे ट्वेंटी अब रिटेल का पूछा है तो सिंपल ट्वेंटी हो जाएगा रिस्ट्रिक्टेड के लिए ट्वेंटी ए होलसेल के लिए ट्वेंटी बी एंड होलसेल विद मोटर व्हीकल के लिए ट्वेंटी बी बी हो जाएगा ओके okay? तो आपने सिंपल ट्वेंटी याद रखना है देखिए रिटेल में तो सेम टू सेम लिखना है आपने जो फोन नंबर है जैसे सी सी वन एक्स के लिए ट्वेंटी है तो रिटेल के लिए सेम ट्वेंटी लिखेंगे रिस्ट्रिक्टेड के लिए आप ए याद कर लीजिए ट्वेंटी के बाद मतलब जो रिटेल का लिखेंगे उसके बाद ए लगाना है आपने होलसेल में बी एड करना है होलसेल विद मोटर व्हीकल में दो बार बी एड करना है ओके okay? ये हो गया अदर याद करना होता है और ट्वेंटी दो हजार उन्नीस में अभी मैंने क्वेश्चन लिया भी हुआ है मैं आपको आगे दिखाऊंगी फिर आता है सी सी वन एक्सक्लूडिंग एक्स देखिए सी सी वन से आपने ट्वेंटी वन याद करना है अब देखिए रिटेल का होगा तो फॉर्म नंबर ट्वेंटी वन अगर रिस्ट्रिक्टेड होगा ट्वेंटी वन के आगे ए लगा देंगे होलसेल में ट्वेंटी वन के आगे बी लगा देंगे और होलसेल विद मोटर व्हीकल के लिए ट्वेंटी वन के आगे दो बार बी लगा देंगे ओके okay, अभी देखिए कैसे क्वेश्चन बनते हैं इसके ऊपर देखिए फॉर्म फॉर द इशू ऑफ लाइसेंस टू सेल द इशू ऑफ लाइसेंस टू सेल स्टॉक एग्जिबिट फॉर सेल और डिस्ट्रीब्यूट ड्रग्स स्पेसिफाइड इन शेड्यूल एक्स इन रिटेल देखिए ये क्वेश्चन मैं आपको बता रही थी ई एस आई सी दो हज़ार उन्नीस में पूछा गया था शेड्यूल एक्स के लिए मैंने आपको बताया एक तो होलसेल याद करना है एक रिटेल याद करना है आपसे रिटेल का पूछा है रिटेल के लिए ट्वेंटी एफ हो जाएगा होलसेल के लिए ट्वेंटी जी बस आपने शेड्यूल एक्स के लिए तो यही याद करना होता है ओके तो रिटेल का पूछा तो ट्वेंटी एफ आपको कौन से ऑप्शन में मिला है ऑप्शन ए में ही ट्वेंटी एफ दिया है होलसेल के लिए पूछते तो ट्वेंटी जी आप लोग कह देते ट्वेंटी वन किसके लिए सी सी वन आपको याद करना बताया था सी सी वन एक्सक्लूडिंग एक्स है ना तो सी सी वन से आपने ट्वेंटी वन याद रखना है रिटेल के लिए ट्वेंटी वन हो जाएगा रिस्ट्रिक्टेड के लिए ट्वेंटी वन ए हो जाएगा ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फॉर्म सेल स्टोक और एग्जिबिट फॉर सेल और डिस्ट्रीब्यूट बाय रिटेल ड्रग्स स्पेसिफाइड इन शेड्यूल सी सी वन तो मैंने अभी आपको क्या बताया कि आपने जो है सी सी वन के लिए क्या याद रखना है ट्वेंटी वन याद रखना है है ना आपसे क्या पूछा है रिटेल uh, के लिए तो सिंपल हो जाएगा तो आपका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा सिंपल ट्वेंटी ट्वेंटी किसके लिए था अदर देन सी सी वन एक्स के लिए रिटेल के लिए ट्वेंटी uh, जो ट्वेंटी है फॉर्म नंबर फॉर्म नंबर ट्वेंटी ए अदर देन सी सी वन एक्स के रिस्ट्रिक्टेड के लिए हो जाएगा है ना और फिर फॉर्म नंबर ट्वेंटी वन आपको सी सी वन के लिए बताया और जो ट्वेंटी वन बी हो जाएगा सी सी वन के लिए और जो है होल सेल के लिए है ना तो क्लियर है आपको नेक्स्ट इसका आंसर ऑप्शन सी हो गया नेक्स्ट लाइसेंस फॉर होल सेल ऑफ ड्रग अदर देन दोज स्पेसिफाइड इन सी सी वन एक्स देखिए अदर देन सी सी वन एक्स अदर देन सी सी वन एक्स के लिए आपको ट्वेंटी याद करना बताया था और क्या लाइसेंस फॉर होल सेल ऑफ़ ड्रग होलसेल का पूछा है अगर रिटेल का पूछे तो ट्वेंटी याद रखते रिस्ट्रिक्टेड का पूछे तो ट्वेंटी के आगे ए लगा देते होल सेल का कहा है तो ट्वेंटी के आगे बी लगा देंगे होलसेल विद मोटर व्हीकल कहते तो ट्वेंटी के आगे दो बार बी लगा देते अभी आप देख लीजिए इसका आंसर होलसेल के लिए ट्वेंटी के आगे बी लगा दीजिए आपको जो है ऑप्शन इसमें बी में दिया है है ना ट्वेंटी आपको सिंपल रिटेल के लिए होता ट्वेंटी वन होगा रिटेल के लिए और सी सी वन एक्सक्लूडिंग एक्स ओके ट्वेंटी वन बी के लिए सी सी वन एक्सक्लूडिंग एक्स ओके तो आपका इसका क्लियर हो गया ऑप्शन आपका बी हो गया ओके अभी देखिए कॉस्मेटिक्स के लिए देख लीजिए वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म इज नीडेड फॉर कॉस्मेटिक के मैन्युफैक्चरिंग के लिए देखिए इन ऑप्शंस में से आपको ऑप्शन बी फॉर्म नंबर थर्टी टू हो जाएगा ओके देखिए कॉस्मेटिक्स के मैनुफैक्चरिंग के लिए अप्लाई करते हैं फॉर्म नंबर थर्टी वन में और लाइसेंस इशू होता है फॉर्म नंबर थर्टी टू में और लो लाइसेंस की बात करेंगे कॉस्मेटिक्स के लिए अप्लाई करेंगे थर्टी वन ए में और लाइसेंस इशू होगा फॉर्म नंबर थर्टी टू ए में ओके okay, अभी देखिए आपको थोड़ा सा जो है मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस का भी पता होना चाहिए देखिए क्वेश्चन ऐसे आता है एप्लीकेशन फॉर ग्रांट और रिन्यूअल ऑफ लाइसेंस फॉर मैन्युफैक्चरिंग आयुर्वेदा सिद्धा एंड यूनानी ड्रग इज रिक्वायर टू बी मेड इन तो मैन्युफैक्चरिंग का पूछा है आयुर्वेदा सिद्धा एंड यूनानी के लिए एप्लीकेशंस के लिए पूछा मतलब कि अप्लाई करना है आपने है ना एक तो एप्लीकेशन होती है लाइसेंस ओके तो देखिए इसमें जो है एप्लीकेशंस के लिए फॉर्म नंबर ट्वेंटी फोर डी हो जाएगा

शेड्यूल एक्स में आइए मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस है ध्यान रखना है तो इसमें अप्लाई करेंगे ट्वेंटी फोर एफ में और लाइसेंस इशू होगा ट्वेंटी फाइव एफ में और सी सी सीवन एक्सक्लूडिंग एक्स वही आपका जो सी सी सीवन के लिए बताया था तो इसमें मैन्युफैक्चरिंग का है तो फॉर्म नंबर ट्वेंटी सेवन में अप्लाई करेंगे लाइसेंस इशू होगा ट्वेंटी एट में और सी सी सीवन एंड एक्स अब इसमें एक्स इंक्लूड हो गया तो इसमें अप्लाई करेंगे ट्वेंटी सेवन बी में लाइसेंस इशू होगा फॉर्म नंबर ट्वेंटी एट बी में तो ये आपने मैनुफेक्चरिंग का याद रखना है ओके और देखिए मैनुफेक्चरिंग ऑफ होम्योपैथिक ड्रग के लिए अप्लाई करेंगे 24c में लाइसेंस इशू होगा 25c में और आयुर्वेदा सिद्धा एंड ड्रग्स का आपसे पूछा हुआ था मैन्युफैक्चरिंग का अप्लाई करेंगे 24d में और लाइसेंस इशू किस में होगा फॉर्म नंबर 25t में होगा ओके तो ये सारे आप लोगों ने याद रखने